हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। आज स्टॉक अपने अपर सर्किट पर है, 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है और 325 रुपये 70 पैसे इसकी अभी प्राइस चल रही है। स्टॉक में तो 5% के ऊपर तो स्टॉक जा सकता है क्योंकि अभी भी ASM की लिस्ट में स्टॉक बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं स्टॉक में किस प्रकार के मोमेंटम आप देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक अपने बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। अगर इस वीडियो को थोड़ा सा अगर इसमें चार्ट को जूम करूं तो बिल्कुल अपने सपोर्ट से इसने बाउंस बैक किया है। बिल्कुल सपोर्ट से ही देखिए 310 रुपए की ट्रेंड लाइन बनी हुई थी और उसके बाद से वहीं पर कल इसने थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाया था, काफी नीचे चला गया था स्टॉक, 306-307 रुपए के आसपास चला गया था। वहां से स्टॉक ने थोड़ा सपोर्ट दिखाया और वापस से इसी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। सबसे अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग इसके करीब ही देखने को मिली और आज स्टॉक ने यहाँ से एक रिवर्स माना है और काइंड ऑफ बहुत अच्छा। अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार की डोजी देखने को मिलती, इस प्रकार की डोजी अगर ये जो कैंडल की जगह इस प्रकार की डोजी मिलती और ये ग्रीन कैंडल मिलती तो एक बढ़िया सा मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनता और इसका अगर कल फॉलो अप भी आ जाए तो एक अच्छा रहेगा। लेकिन स्टॉक के लिए काफी मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सारी नोटिफिकेशन को द्वारा ना भूलें, सॉरी मैं भूल गया था बोलना पहले, और वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को बिल्कुल लाइक भी कर दें। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 310 रुपए का सपोर्ट है, तो जिस किसी ने यहाँ पे एंट्री ले ली है और दूसरी एंट्री उसकी बन रही है एकदम से बहुत सारा अमाउंट मत लगा दीजिएगा। अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पे है और दूसरा सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है 292 रुपए का और स्टॉप लॉस की बात करें तो 280 रुपए के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो बहुत क्लोज बहुत वीकनेस होने वाली है। और फिर स्टॉक 244 रुपए का सपोर्ट दिखा रहा है, वैसे काफी रेयर है कि यहाँ तक स्टॉक हमें दिखाए, लेकिन टेक्निकल्स पे दिख रहा है तो क्या कह सकते हैं कि अगर 290 रुपए के लेवल्स को स्टॉक ब्रेक करता है तो हमें 245 तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन हम फिलहाल ऐसी बातें नहीं करते हैं और स्टॉक में अच्छी बातें करते हैं। तो स्टॉक अभी फिलहाल आज 5% के अपर सर्किट पे है। ये एक काइंड ऑफ रिटेस्टिंग भी हो सकती है कि यहाँ से स्टॉक ने अपना लेवल ब्रेक किया था और इसके नीचे स्टॉक चला गया और देन फिर एक अपर रिटेस्टिंग कर रहा है और रिटेस्टिंग के बाद फिर से स्टॉक में डाउनफॉल आने वाला है। कुछ इस प्रकार की भी बातें कह सकते हैं क्योंकि एक काइंड ऑफ रिटेस्टिंग भी है। अगर स्टॉक उसके ऊपर क्लोज होता लेकिन क्लोज वो कहाँ से कि 5% का अपर सर्किट लग चुका है, अब इसके ऊपर स्टॉक आज के दिन में नहीं जा सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो डेफिनेटली एक चैनल में वापस आ जाता, तो अभी चैनल में वापस नहीं आया, कल देखना होगा कि चैनल में वापस आता है या नहीं आता है। अगर चैनल में वापस आ जाता है तो कह सकते हैं कि अब यहाँ से एक 350 रुपए तक के टारगेट पर डेफिनेटली यहाँ से ले सकते हैं। तो अब क्या होना चाहिए, अब ये होना चाहिए कि अगर किसी को फ्रेश एंट्री बनानी है तो या तो इन लेवलों पर बनाए 310 या 392 पे, या फिर अब इस स्टॉक को 352 रुपए 50 रुपए के ऊपर स्टॉक को निकल जाना चाहिए, देन फिर एंट्री ले और फिर पहला टारगेट के लिए 430 रुपए जा सकते हैं। स्टॉक 350 के लेवल को ब्रेक कर दे तब हम 431 रुपए के टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि अब इन लेवलों पर खरीदना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। इन लेवलों पर खरीदना क्योंकि हो सकता है काइंड ऑफ यहाँ से एक रिटेस्टिंग हो और रिटेस्टिंग के बाद स्टॉक 292 रुपए के लेवल पर आता हुआ हमें दिखे, ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल किसी भी पॉसिबिलिटी को स्टॉक मार्केट में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अभी तो आज 5% अब तो वैसे भी मिलने वाला नहीं है स्टॉक, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि अगर सर्किट खुलता है तब ये हमें देखने को मिल सकता है और सर्किट भी आज अच्छे खासे लेवल्स में चल रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं अगर किसी को अब फ्रेश एंट्री बनानी है, या तो इन दो लेवलों पर बनाया करके 310 और 292 और 280 रुपए का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट काफी बड़े हैं। टेक प्रॉफिट के लिए 432 रुपए और दूसरा अगर देखा जाए तो 568 रुपए तक के टारगेट हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। 568-570 रुपए तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देता है, किसको 433 के लेवल्स को ब्रेक कर देता है, तब हमें ये टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे। तो इस स्टॉक में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार का अडानी बिलमार भी चल रहा है, अडानी बिलमार की आज मैं क्लोजिंग देखता हूँ क्योंकि उसमें अपर सर्किट का कोई रोल नहीं है तो उसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका वीडियो मैं 3:30 बजे के बाद पोस्ट करूंगा कि किस प्रकार की क्लोजिंग अडानी बिलमार में देखने को हमें मिल रही है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।